YouTube के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स आए वो सीधे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कल जो काउंसलिंग हुई है उसमें कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, कितनी सीटें शेष बच गई है और जितनी भी सीटें शेष बची हैं वो सातवें चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द अब शुरू होने वाली है। ऐसे में काउंसलिंग सेंटरों पर जो फर्जीवाड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देख सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऐप में QR कोड स्कैन करते ही टेट सर्टिफिकेट निकला फर्जी, गिरफ्तारी के डर से काउंसलिंग छोड़कर भागी अभ्यर्थी। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ ऐसे फर्जीवाड़ा करके लोग जो है वो पहुंच रहे हैं काउंसलिंग सेंटरों पर, उन्हें कोई भी डर नहीं है और इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे देखिए लिखा है जिला स्कूल समेत देख सकते हैं शहर के 4 केंद्रों पर बुधवार को विभिन्न प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चली थी। प्रखंड नियोजन इकाई के अंतर्गत पूजा कुमारी नामक एक अभ्यर्थी दूसरे का टेट सर्टिफिकेट लेकर अंग्रेजी विषय में काउंसलिंग के लिए पहुंची थी। सर्टिफिकेट जब जांच के दौरान विशेष ऐप में जैसे ही उस अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट का QR कोड को स्कैन किया गया वैसे ही फर्जीवाड़ा का पता चल गया। उसके बाद गिरफ्तारी के डर से वह अभ्यर्थी तुरंत काउंसलिंग छोड़कर खिसक गई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फर्जीवाड़े के द्वारा शिक्षक बनने के लिए काउंसलिंग सेंटरों पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसा ना करें। सभी से अनुरोध है किसी भी प्रकार से आप किसी के तरीके का कोई भी इस प्रकार का कार्य ना करें किसी काउंसलिंग सेंटर पर जाके, और अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई गिरफ्तारी होने का 100% चांस है। 12 प्रखंड नियोजन इकाइयों में 215 अभ्यर्थियों का हुआ नियोजन, 85 सीटें रह गई खाली। तो सीटें बहुत ज़्यादा खाली रह जा रही हैं। अब बात ये आती है कि जितनी सीटें खाली रहेगी विभाग उसको जल्द से जल्द भरने की कवायद अब तेज करेगा। अभी नहीं होगी 8 प्रखंडों के 24 पंचायतों की काउंसलिंग प्रक्रिया। जिस तरीका है बौद्ध गया नियोजन इकाई में 100% पदों पर हुआ नियोजन। तो नियोजन को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई जो ऐप से मैं QR कोड स्कैन करते ही टेट सर्टिफिकेट निकला है फर्जी कहा जा रहा है। शहर के 4 केंद्रों पर स्नातक ग्रेड के लिए हुई काउंसलिंग मानपुर नियोजन इकाई में दूसरे का सर्टिफिकेट लेकर पहुंची थी अभ्यर्थी। तो भाई एक ये भी बात है बौद्ध गया नियोजन इकाई में 100% पदों पर हुआ नियोजन। तो देख सकते हैं दोस्तों दूसरा देखिए समाहरणालय मुजफ्फरपुर का एक लेटर जारी किया गया है काउंसलिंग को लेके अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना की अधिसूचना संख्या दे सकते हैं दिनांक 3/7/21 द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापांक दे सकते हैं 23/76 दिनांक 3/7/21 द्वारा मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 तथा वर्ग 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी का शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत नियोजन हेतु काउंसलिंग के लिए दिनांक 12/7/21 की तिथि निर्धारित करते हुए। तो देख सकते हैं लेटर जारी किया गया जो 12 तारीख को जो काउंसलिंग होगी उसको लेकर लेटर जो है वो जारी किया गया है निर्धारित करते हुए काउंसलिंग का स्थान निर्धारित किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये 12 तारीख काउंसलिंग को लेकर एक लेटर जारी किया गया है और विषयवार बताया गया है कि वरीय पदाधिकारी कौन कौन होंगे, कहाँ पे और किस तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, पुलिस बल कितना होगा, 10 लाठी बल दे सकते हैं, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है। वरीय अधिकारी, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, ये तमाम चीज़ें जो है देखिए यहाँ पर बताई गई हैं। आगे देखिए जो लेटर जारी किया गया है इसमें सब कुछ बताया गया है कि कौन शिक्षा पदाधिकारी होगा, कौन वहाँ कितने पुलिस वाले होंगे, तमाम चीज़ें जो है 12 तारीख काउंसलिंग को लेकर ये बताया जा रहा है। और 12 तारीख की जो काउंसलिंग है दोस्तों वो जल्द से जल्द होगी और जल्द से जल्द आप उसके लिए तैयार रहें, किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना करें। काउंसलिंग केंद्र पर विलम्ब से पहुँचे अभ्यर्थी का हंगामा, देख सकते हैं शिक्षक नियोजन के लिए राजधानी में बनाए गए काउंसलिंग केंद्रों में प्रवेश के 2 केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इन केंद्रों पर पुलिस बल भी मौजूद थी,
शिक्षक के आयोजन के लिए काउंसलिंग चल रही है। इन केंद्रों पर पहुंचने के लिए सुबह 11 बजे तक का अंतिम समय दिया गया। इसके बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को रोकने पर हंगामा किया गया। श्री रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दे सकते हैं कंकड़बाग काउंसलिंग केंद्र पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। डाली कुमारी, रश्मि कुमारी, दिलीप कुमार आदि ने बताया कि 10:55 में वे केंद्र में पहुंच गए। उन्हें काउंसलिंग रूम में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। रूम में नहीं पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10-15 के आसपास थी। राजकीय बाल उच्च माध्यमिक प्लस टू विद्यालय शास्त्री नगर में भी काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी ने हंगामा किया। इस दौरान गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में पुलिस बल व डीईओ ने मामले को शांत कराया। डीईओ ने बताया कि वह खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं काउंसलिंग को लेकर जो हंगामा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि भाई अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा को फैलाने में अपना शातिर दिमाग लगा रहे हैं। उसे लेकर देखिए, फिर से एक लेटर जारी किया गया विभाग के द्वारा के साथ साथ 21 को प्रखंड नियोजन के फर्जी टीटी प्रमाण पत्र के आधार पर काउंसलिंग के संबंध में। तो उन्होंने कहा है कि जो लोग भी फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आएंगे और काउंसलिंग कराएंगे उनकी खैर नहीं है। देख सकते लिखा है, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अंकित करना है कि आरोपित अभ्यर्थी का को काउंसलिंग में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए था, परंतु नियोजन इकाई स्तर पर कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है। देखिए, बहुत सख्त है विभाग और किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा अब नहीं हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, कल की जो काउंसलिंग हुई थी 1-5 के लिए दिनांक 8/7/21 को काउंसलिंग का प्रतिवेदन देख सकते हैं। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, ये देख सकते हैं दोस्तों। एक पूरा का पूरा लिस्ट जारी किया गया है। कुलपद कितने थे, प्रखंड निकाय की संख्या कितनी है, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, अवशेष देख सकते हैं। तमाम बातें जो है यहाँ पर बता दी गई हैं। प्रखंड निकाय की कुल संख्या, चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या दे सकते हैं। कहीं कहीं तो प्रखंड निकाय की संख्या बिल्कुल जीरो है, कुल पद भी जीरो हैं, चयनित अभ्यर्थी जीरो हैं। केवल देखिए बेगूसराय हो गया आपका, भागलपुर हो गया, इन जगह पे देख सकते हैं कुल पद की संख्या बताई गई है और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी बताई गई है। गया में देख सकते हैं दोस्तों, पूर्वी चंपारण में देख सकते हैं आप। और इस तरीके से अगर हम इधर आ जाएँ, कैमूर की बात करें तो कैमूर में है। और मुझे देख सकते हैं दोस्तों, मधुबनी हो गया आपका, जमुई हो गया आपका, कैमूर हो गया। तो ये जगह जैसे तो कुल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1712 सीटें थी जिसमें से 1119 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 593 सीटें जो है फिर शेष रह गई। तो ये सीटें जो शेष रह जा रही हैं इनको लेकर बात हम ये कहेंगे दोस्तों कि जल्द से जल्द सातवें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया अब विभाग कहीं ना कहीं दोस्तों तेज करेगा और करना होगा विभाग को तेज, क्योंकि भाई शिक्षकों की जब कमी रहेगी तो विद्यालय में पठन पाठन का कार्य जो है वो प्रभावित होगा। तो इसके लिए विभाग को जल्द से जल्द सातवें चरण में जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। और काउंसलिंग को लेकर देखिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी अपडेट प्रोवाइड किया है। उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग सेंटर पे अगर आप जाएँ तो किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।